हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक मेजर एग्जांपल देखा था डीबीएमएस। डीबीएमएस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे डेटा को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। अब ना डीबीएमएस यूज करने के रीजंस क्या है, तो डीबीएमएस के कुछ ऐसे खास फीचर्स है जो यूजर के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं। दैट्स व्हाई आजकल हर फील्ड में डीबीएमएस होता ही है और डीबीएमएस के थ्रू ही पूरे डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। तो फीचर्स की बात करें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो फर्स्ट उसका फीचर है डेटा सिक्योरिटी। डीबीएमएस आपके डेटा को अनऑथराइज्ड पर्सन से, अनऑथराइज्ड यूजर से, किसी भी इलीगल तरीके से हैक करने की जो प्रोसेस होता है उससे आपके डेटा को सेव करता है। कोई भी अवैध यूजर, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटाबेस को आपकी परमिशन के बिना एक्सेस नहीं कर सकता है। उसकी पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल रखना और केवल ऑथराइज्ड यूजर को ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू, यूजर आईडी के थ्रू डेटा को एक्सेस करने देने की परमिशन देना, ये सब डीबीएमएस के फीचर्स है। तो यही बात है पहली चीज तो, कि डीबीएमएस डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो डेटा लीक ना हो जाए, डेटा किसी तरह से हैक ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो डीबीएमएस इस चीज का पूरा ध्यान रखता है कि डेटा को सिक्योर किया जाए और अनऑथराइज्ड पर्सन या किसी भी इलीगल प्रोसेस से डेटा को दूर रखा जाए। अगर हम सेकंड फीचर की बात करें तो विच इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी दैट मीन्स एक ही टाइम पर डेटा को केवल एक ही पर्सन एक्सेस कर सकता है। अगर कोई ये सोचे कि डेटा को हम किसी दूसरे सिस्टम से उसी टाइम पर एक्सेस कर सके जिस टाइम पे एक ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड यूजर उसे एक्सेस कर रहा हो, तो पॉसिबल नहीं है। एट दैट टाइम ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑथराइज्ड यूजर को नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देता है कि उसके सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कुछ हैक करने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह से डेटा को लीक करने की कोशिश की जा रही है, तो उससे यूजर अलर्ट हो जाता है। दैट मीन्स डेटा इंटीग्रिटी मतलब एक टाइम पर एक सिस्टम से एक ही इंसान आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, एक से ज्यादा यूजर्स उसे एक्सेस नहीं कर सकते, और एक्सेस करने के लिए भी प्रॉपर यूजर आईडी और डेटाबेस के पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसके तीसरे फीचर की बात करें तो विच इज इंटरैक्टिव क्वेरी। हर एक डेटाबेस को बनाने और मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है। हम सोचे कि डायरेक्ट हमने जाकर कमांड टाइप कर दिया, तो दैट इज नॉट ईजी लाइक दैट। हर एक डेटाबेस अपनी एक प्रॉपर लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, जिसे हम क्वेरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। क्वेरी लैंग्वेज मतलब अगर यूजर डेटाबेस में कुछ चेंजेस करना चाहता है, दैट मीन्स या तो कुछ ऐड करना चाहता है या कुछ इरेज करना चाहता है, या रोज और कॉलम्स के नंबर्स को चेंज करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, कम करना चाहता है, तो उस चीज के लिए जो क्वेरीज होती है उसके लिए एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है। कुछ कमांड्स होते हैं, कुछ प्रॉम्प्ट होते हैं, रिपोर्ट राइटर दैट मीन्स कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका यूज करके आप प्रॉपर डेटाबेस की क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हुए कमांड टाइप करते हो, तब जाकर आप अपने डेटा के साथ इंटरोगेट कर सकते हो। सिंपल इंग्लिश के स्टेटमेंट लिख देने से आपका डेटाबेस आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ये जरूरी है कि यूजर इन क्वेरीज को लिखना सीखे रिपोर्ट राइटर के अंदर, रिपोर्ट राइटर पे सारे सिंबल्स का यूज करके प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस का ध्यान रखते हुए क्वेरी लैंग्वेज को टाइप करे, दैट मीन्स कमांड टाइप करे, तो आपका डेटाबेस आपके साथ इंटरोगेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और डेटाबेस को इंटरोगेट करना एक ऑथराइज्ड यूजर को ही आता है, बिकॉज जब डेटाबेस बनाया जाता है तो ऑथराइज्ड यूजर की देखरेख में बनाया जाता है। दैट मीन्स वही है कि आपका डेटा पूरी तरह से सिक्योर रहता है। अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नेक्स्ट फीचर की बात करें तो विच इज डेटा इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स डेटाबेस आपसे फील्ड्स के बेसिस पर इंफॉर्मेशन मांगता है। लाइक अगर आपको किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए और आपके पास 2,000-3,000 लोगों का डेटा है, तो आप पूरे डेटा को मत चेक कीजिए। हर एक डेटा, हर एक पर्सन के पास एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, स्कूल हो गया, स्कूल में हर एक स्टूडेंट के पास उसका स्कॉलर नंबर होता है, जो कि उसकी यूनिक आइडेंटिटी की उसके स्कॉलर नंबर जैसा दूसरा स्कॉलर नंबर नहीं होगा स्कूल में किसी और के पास, तो वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी हो गई। दैट मीन्स डेटा इंडिपेंडेंस, कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन का डेटा अपनी स्क्रीन पर चाहिए, तो आपको 2,000-3,000 लोगों के डेटा को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। आप केवल उसकी यूनिक आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर में डालकर पूरी उसकी डिटेल अपनी स्क्रीन पर एक साथ
कुछ ही सेकंड्स में देख सकते हैं। दैट मीन्स इसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्सन का डेटा पूरे के पूरे डेटाबेस पर डिपेंड करता है कि पूरा डेटाबेस आप ओपन करोगे, एक एक चीज को चेक करोगे तभी आप उस पर्सन को ढूंढ पाओगे या उसकी डिटेल्स देख पाओगे। इट्स क्वाइट इजी कि आप बस उसका यूनिक आईडी डालकर उस पर्सन की पूरी डिटेल स्क्रीन पर देख लो, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी बड़ी लिस्ट को देखने की जरूरत नहीं, उसमें से ढूंढने की जरूरत नहीं है, डेटा इंडिपेंडेंट है तो सिर्फ यूनिक आइडेंटिटी से आपके सामने आ जाएगा जिस भी पर्टिकुलर पर्सन का डेटा आपको चाहिए। नाउ अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें विच इज इंटरैक्टिव डेटा एंट्री एंड अपडेटिंग, DBMS बहुत ही अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिव तरीके से यूजर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट कर सके, लाइक ऐड कर सके, इरेज कर सके, हाइड कर सके, शो कर सके, इवन अगर वो दो डेटाबेसेस को ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सके, कीज के थ्रू उन्हें कनेक्ट करना चाहता है तो कनेक्ट कर सके। तो विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि एक यूजर छोटे छोटे डेटाबेस बनाकर भी एक बहुत बड़ा अपने पास डेटाबेस क्रिएट कर सकता है बाय ज्वाइनिंग क्वेरी और कनेक्टिंग कीज। तो ये डेटाबेस का बहुत अच्छा फीचर्स है जिसके कारण डेटाबेस हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। इसके बाद इस चैप्टर का, इस यूनिट का एक लास्ट टॉपिक बचता है विच इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और उसके एग्जाम्पल्स, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।